कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। आज के दिन में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग प्ले स्टोर यूज करते हैं तो आप लोगों को अपनी आंखों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि प्ले स्टोर आप लोगों को पता होगा कि जो बैकग्राउंड है उसका वो व्हाइट कलर का है, और अगर आप लोगों का ब्राइटनेस ज़्यादा होता है या कम होता है फिर भी हमारी आंखों पे ज़्यादा रोशनी पड़ती है, यानी कि ब्राइटनेस जो है हमारी आंखों पे ज़्यादा आता है, और उससे क्या होता है कि हमारे आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारी आंखों से कभी कभी क्या होता है कि पानी निकलने लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत दुखने लग जाता है, आंखें लाल हो जाती है। तो ये सब हो जाता है अगर आप लोग आज के दिन यह वीडियो नहीं देखते हैं। तो आप लोगों को आज के दिन इस वीडियो में देख करके ये मालूम पड़ेगा कि आप लोग अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे, और ये भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने मोबाइल का जो बैटरी है उसको कैसे सेव रख सकते हैं, कैसे सेफ सुरक्षित आप लोग अपने आप को रख सकते हैं। और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, और आईलर्नटेक चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियो आप लोगों को यहीं पर मिलेगी आईलर्नटेक पर ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बोलना, वीडियो को एक लाइक कीजिए और वीडियो को एक थम दीजिए, ताकि इस टाइप के ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और भी भर भर के बहुत सारी यूजफुल वीडियो लेकर के आता रहूँ। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये जो वीडियो है सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको ये तरीके मालूम नहीं है कि वो लोग अपनी आंखों को कैसे बचा सकते हैं प्ले स्टोर के जरिए, यानी कि प्ले स्टोर के जरिए प्ले स्टोर से कैसे अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं, साथ में अपनी बैटरी को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह सब चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, जिनको पता है उन लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है, उन लोगों को पता है इसलिए, और जिन लोगों को पता नहीं वो लोग वीडियो पूरा देखें ताकि वो लोग अपनी आंखों को सेफ रख सके और सुरक्षित रहे वो लोग। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो लोग भी कैसे अपनी आंखों को सेफ सुरक्षित रख सकते हैं प्ले स्टोर से। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपना प्ले स्टोर ओपन करना है, जैसा कि आप लोगों को मैं सब कुछ करके बताता हूँ। अपने प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का दिखेगा, लेकिन आप लोग देख रहेंगे तो जब आप मैंने ब्राइटनेस को कम करके रखा है मेरे लिए, तो इसका जो ये जो पीछे का ये जो वाइट कलर का ये जो बैकग्राउंड है वो जो, यानी कि आप लोग जो हर एक ऐप्स के जो पीछे आप लोग वाइट कलर का जो बैकग्राउंड देख रहे हैं, आप समझ लीजिए कि इसकी वजह से हमारी आँखों पर ज़्यादा रोशनी पड़ती है, और इससे हमारी आँखें कभी कभी दुखने लग जाती है, और या तो उसमें जैसे पानी आने लगता है, इस प्रकार का समस्या होने लगती है अगर ज़्यादा लाइट पड़ता है आँखों पर। तो आप लोगों को आज के दिन मैं बताऊंगा कि ये जो वाइट कलर का ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये सब, ये इसको कैसे आप लोग गायब कर सकते हैं, यानी कि ब्लैक कलर में कर देंगे, सब कुछ अच्छा दिखेगा और आप लोगों की आँखों पर प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और सब कुछ समय में भी आएगा, सब कुछ अच्छा भी दिखेगा और आप लोगों की आँखें भी सेफ रहेगी। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे ऊपर जो तीन डॉट दिख रहे हैं, तीन लाइन दिख रहे हैं, इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग, इस सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सेटिंग के बटन पे क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक थीम का बटन दिख जाएगा। इस थीम के बटन पर देखिए ये लाइट में है, अब लाइट से हम लोगों को क्या करना है, ये डार्क पर सेट कर देना है। अब डार्क पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये जो हमारा एप्लीकेशन है ये प्ले स्टोर, अभी पूरा का पूरा जो ये कलर था वो चेंज हो गया, यानी कि वाइट कलर था ब्लैक कलर हो चुका है हर एक जगह पर। हर एक जगह पे अगर आप लोग देखेंगे ध्यान से तो आप लोगों को अब ब्लैक कलर में, और आप लोगों की जो आंखें है वो अब सेफ भी रहेगी, और आप लोगों की आंखों पे कुछ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, और आप लोग अच्छे से प्ले स्टोर को यूज़ भी कर पाएंगे, जितना देर चाहें उतना देर यूज़ कर पाएंगे, और आप लोगों की आँखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते टाइम पर या प्ले स्टोर को यूज़ करते टाइम पर। अगर समझ लीजिए इसमें और एक ऑप्शन दिया गया है, फिर से सेटिंग में जाएंगे और फिर से यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये डार्क पे सेट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, थीम में ही जा करके यहाँ पे देख रहेंगे तो लिखा हुआ है सेट बाय बैटरी सेवर, यानी कि समझ लीजिए, जैसे कि समझ लीजिए आप लोगों का परसेंट 100% है, जब तक 100% रहेगा, 100% से लेके 20% तक, जब तक यानी कि 20% से ऊपर रहता है जब तक, यानी कि समझ लीजिए हर एक मोबाइल में लिमिट रहता है कि जैसे ही बैटरी ख़त्म होने लगता है तो एक अलार्म बजता है, एक नोटिफिकेशन आता है कि आपकी बैटरी कम हो गई है, चार्ज में लगाइए। तो समझ लीजिए उस कंडीशन में अगर आप लोगों का मोबाइल आ जाता है, जैसे कि बैटरी कम हो जाता है 20% से नीचे आ जाता है, तो ऑटोमेटिक वाइट कलर से ये अगर ब्लैक कलर में चेंज करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो ये वाला बटन पर टिक कर दीजिए कि जैसे ही मोबाइल का बैटरी लो हो तो वैसे ही वो ऑटोमेटिक डार्क मोड में आ जाए, यानी कि ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में आ जाए। तो आप लोगों को ये सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और ये देख रहे हैं तो वापस से ऑटोमेटिक वाइट कलर का ये जो हमारा ये, जैसे कि हमारा जो मोबाइल का ये बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का हो गया है। अब जैसे समझ लीजिए ये मेरा जो परसेंटेज है यानी कि चार्जिंग का वो 58 है, यानी कि चार्जिंग पॉइंट जो है मेरा 58 है, यानी कि बैटरी चार्ज है, और अगर जैसे
जैसे 20% के नीचे आएगा या 15% के नीचे, तुरंत ही मेरा जो मोबाइल है वो डार्क मोड में आ जाएगा और मेरे मोबाइल का बैटरी भी सेव होगा और मोबाइल भी थोड़ा देर तक चलेगा। अगर आप लोग वाइट कलर में ही इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आप लोगों का हो सकता है बैटरी जो है वो फास्ट उतर जाए, यानी कि चार्ज खत्म हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग अपनी आंखों को कैसे सेफ रख सकते हैं, साथ में आप लोग अपनी बैटरी को भी सेफ रख सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। वीडियो के नीचे अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर दूंगा।